वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कल कौन से स्टॉक्स पे हम लोगों को ट्रेड लेना है, प्लस निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या सिनेरियो रह सकता है। जिस तरीके से जो हमने कल एक वीडियो अपलोड करी थी और उसके जो कमेंट्स जब मैंने पढ़े तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और जिस तरीके से आप लोग बता रहे थे कि डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर आप एक वीडियो बनाइए, तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, कल बनाऊंगा मैं। आज ये वीडियो हम थोड़ी जल्दी कवर अप कर लेंगे, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है और बहुत सारे लोग कॉल्स भी आ रहे थे तो मैं वो कॉल भी अटेंड नहीं कर पाया और आगे भी नहीं आ शायद कर पाऊँ। तो इस वीडियो को हम जल्दी पहले एंड कर लेते हैं, जो भी डिस्कशन मैं आज करने वाला था आज की वीडियो में हम लोग कल करेंगे। सो आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर LIC हाउसिंग फाइनेंस में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। एक मल्टीपल रेजिस्टेंस टाइप है इस जगह, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ब्रेकआउट दे सकता है। 300 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इसके ऊपर एक बाइंग आ सकती है, कल हम लोग इसको भी ट्रेड कर सकते हैं। ये स्टॉक हम लोगों ने अपने क्लाइंट्स को BTST दिया था कल, और आज जब गैप अप ओपन हुआ तो हम लोग वहां से निकल गए थे। सेकंड आता है कोटक बैंक, कोटक बैंक पे भी एक रेंज ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं ये ड्रॉ करता हूँ जैसे कि आपको यहाँ दिख जाएगा, इस चीज से आप लोग देख पा रहे हैं 1400 एक राउंड नंबर था, 1400 के ऊपर ये कल जैसी जाता तो एक बाइंग आ सकती है। एक इस पर्टिकुलर रेंज का एक ब्रेकआउट आ रहा है, देख सकते हैं मल्टीपल रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर देखने को मिले, और अब जाके इसका अगर ब्रेकआउट आता है तो कल एक अच्छी खासी इसमें बाइंग आ सकती है। सो कल इसको भी वॉच करके चल सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है एक्सिस बैंक, बैंक जिस तरीके से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का एक ब्रेकआउट देखने को मिला, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न था, इसके ऊपर एक ब्रेकआउट दे चुका है तो यहाँ पर एक बाइंग आ सकती है। 452.5 के ऊपर एक अच्छी खासी इसमें बाइंग आ सकती है। तो जो भी लेवल्स और टारगेट्स होंगे, किस लेवल पे बाय करना है, क्या स्टॉप लॉस होगा, हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के थ्रू प्रोवाइड हो जाएंगे, आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक है, लिंक पे क्लिक करके आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक आता है जिलेट, जिलेट इंडिया आता है नेक्स्ट स्टॉक, ये मैं कल बाय करने के लिए सोच रहा हूँ, और शायद मैं इसको पर्टिकुलर स्टॉक को चार्ट ऑफ द वीक भी दे देता, अगर थोड़ी बहुत और डिप देता है तो भी मैं इसमें बाइंग करने के बारे में सोचूंगा। इस पर्टिकुलर स्टॉक का मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैनल था उसका एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर फिबोनाची का एक स्ट्रॉन्ग लेवल था उसके ऊपर जाके क्लोज कर चुका है, और प्रीवियस जो रेड कैंडल थी उसके ऊपर भी क्लोज कर चुका है। 5400 के आसपास अगर कल मिलता है, 5-6 रुपए की भी डिप देता है तो भी बाइंग बना सकता है, या फिर अगर नहीं डिप देता और 1418 के आसपास खुलता है तो भी एक बाइंग बना सकता है, ठीक है। लास्ट स्टॉक आता है आप लोगों को, मैं वही स्टॉक बता रहा हूँ जो मैंने आप लोगों को कल बताया था, टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा में आज हम लोगों ने एक बहुत अच्छी मूव देखी है, उसे हम लोगों ने कैप्चर करने की भी कोशिश करनी थी। ये ऊपर हो जाता है फिर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। निफ्टी बैंक निफ्टी का कोई अभी सिनेरियो नहीं है, तो कल निफ्टी बैंक निफ्टी पे कोई ट्रेड नहीं है, कल निफ्टी और बैंक निफ्टी साइड वेज रह सकती है तो उस पर ज़्यादा फोकस करेगा। बट मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में अगर आप लोग ट्रेड कर रहे हैं तो 22,700 के नीचे जाने की उसकी पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है, और ना कि 23,400-23,500 के ऊपर जाने की पोजीशन लग रही है। सो हम लोग कॉल शॉर्ट या पुट शॉर्ट करके वहाँ पर काम कर सकते हैं, मैंने अभी आप लोगों के लिए कल भी बताया था स्टॉक कि इस लेवल के आसपास मिलता है तो बाइंग बना सकते हैं, इस लेवल से एक बहुत अच्छी बाइंग आई थी और कल भी मुझे लगता है एक बाइंग दोबारा आ सकती है, तो इसको भी हम लोग इनिशिएट करके चल सकते हैं। तो जो भी लेवल्स हैं आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी का सेम सिनेरियो है, तो जो भी मैं अपडेट्स आज देने वाला था रिलेटेड टू कि मैं कौन से स्टॉक्स बाय करता हूँ तो उससे आपको कैसे फ़ायदा मिल सकता है, तो उससे आप लोग बहुत ज़्यादा क्वेरीज पूछ रहे थे ज्वाइन बटन से रिलेटेड, तो उसके अप्रोच में मैंने एक और पर्टिकुलर फीचर निकाला था जो ढूंढा है, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को कल बताऊंगा, और कल ही वीडियो आ जाएगी डब्ल्यू पैटर्न या डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न के ऊपर। तो स्टे ट्यून्ड इन आवर चैनल, फॉलो सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आप लोग चैनल पर नए हैं। 60,000 सब्सक्राइबर्स जैसे ही क्रॉस हो जाएंगे हम लोग एक गिव अवे कर रहे हैं, और गिव अवे का जो भी हम लोग देने वाले हैं वो हम आप लोगों को 50,000 क्रॉस होने के बाद बताएंगे। सो हमारे फैमिली को इंक्रीज करते रहिए, ज्वाइन होते रहिए और स्टे ट्यून्ड इन आवर चैनल। हम लोग मिलते हैं एक अगली वीडियो पे, साइन आउट।